हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीक सैटरडे या संडे को एक वीडियो अपलोड करता हूं, उसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बताता हूं और ये भी बताता हूं कि प्रीवियस वीक में मेरे लेवल्स ने कैसे काम किया। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीक वाला वीडियो देखा होगा तो आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि वे लेवल्स ने परफेक्टली वर्क किया है। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी के लिए 11274 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते ही निफ्टी अपने पुराने सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और 11431 तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे को निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था 11278 के ऊपर और वेडनेसडे को इसने 11431 का टारगेट अचीव कर लिया था। तो आप देख सकते हैं निफ्टी में लगभग 2 दिन के अंदर 160 पॉइंट की रैली को पकड़ने में हम कामयाब हुए और बैंक निफ्टी ने तो इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बैंक निफ्टी में भी एकदम परफेक्ट लेवल टू लेवल काम किया है। बैंक निफ्टी में मैंने 21450 का लेवल बताया था, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया और वहां से उसने रिवर्स मारा था। मैंने ऊपर में 21901 का रेजिस्टेंस बताया था, तो 21901 को जैसे ही इसने ब्रेक किया वैसे ही उसने 22283 के टारगेट को भी अचीव किया। तो आप देख सकते हैं पूरे वीक में 21450 से 22283 लगभग 800 पॉइंट्स के मूव आप पकड़ सकते हैं मेरे लेवल की मदद से। पहले आप देख सकते हैं मंडे को 21901 पर ओपन हुआ बैंक निफ्टी और वहां से उसमें सेलिंग प्रेशर आया और उसने नीचे के सपोर्ट पे सपोर्ट लिया 21450 पे और जब वापस इसने रिवर्स मारा वहां से और उसने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। और मैंने आपको बताया था कि जब बैंक निफ्टी 21901 के ऊपर सस्टेन करता है तो वह अपने दूसरे रेजिस्टेंस लेवल 22283 को टच करेगा और आप देख सकते हो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही सस्टेन किया और इसने 22400 के आसपास का हाई बनाया। इसमें हमारे सभी लेवल्स अचीव हो गए। एक बार लेवल्स अचीव हो गए आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, फिर बाद में आप चाहो तो उस वीक में ट्रेड लो या फिर मत लो। लेकिन आप देख सकते हैं थर्सडे को भी इसने 21901 पर परफेक्ट सपोर्ट लिया है और फ्राइडे को फिर से बैंक निफ्टी ने गैप अप दिया था। तो पूरे वीक में लेवल्स ने एकदम परफेक्टली वर्क किया है। अगर आपको इतने परफेक्ट लेवल्स मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए तो आप खुद ही सोचिए कि आपको ट्रेडिंग के लिए और क्या चाहिए। और आप अगर मेरे हर एक वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे मैंने अपने चैनल का नाम ट्रेड ऑन लेवल क्यों रखा है, क्योंकि हम सिर्फ लेवल पे काम करते हैं, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, कैंडल स्टिक्स की मदद से हम ट्रेड करते हैं। अगर आप प्राइस को अच्छे से समझ जाएंगे तो ये प्राइस आपको सब कुछ बताएगा कि मेरा सपोर्ट कहाँ है, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है, आपको कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। तो ये तो हो गई प्रीवियस वीक की बात जिसमें लेवल्स ने एकदम परफेक्टली वर्क किया है। इससे परफेक्टली लेवल्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। तो आप ट्रेडिंग करें या ना करें, आप कम से कम मेरी वीडियो को जरूर एक बार देखें और पूरा देखें और इन लेवल्स को नोट करें और उस लेवल्स पर देखिए आप कि वे लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो तो मेरे वीडियो को मिस मत करिए, मेरे हर एक वीडियो को पूरा देखिए, उसमें बताए गए लेवल्स को नोट करिए और 15 मिनट के चार्ट में उसको ट्रैक करिए। और आप देख सकते हैं जब से मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है मेरे लेवल्स का, हर एक वीक लेवल्स ने वर्क किया है और उससे मदद से ट्रेडर्स ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक करिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में करते हो चाहे ऑप्शन में करते हो, वो मेरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप अगर मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अभी आपको जैसे पता ही होगा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मेरी एक कैश की इंट्राडे की सर्विस भी है और एक बीटीएसटी सर्विस भी है जो एक पेड सर्विस है। देख लेते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो पहले बीटीएसटी देख लेते हैं। बीटीएसटी के अंदर 6.8% का रिटर्न मिला हमको एक वीक के अंदर, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और अगर हम कैश इंट्राडे की सर्विस देखते हैं तो उसके अंदर हमको 5.43% का रिटर्न मिला है, वो भी एक वीक के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न है। कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस मार्केट। आपको ऐसे स्ट्रेटेजी में वर्क करना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे, भले ही आपका रिटर्न 1% 2% 3% कितना भी हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट हो। तो आप देख सकते हैं लास्ट वीक में बीटीएसटी और इंट्राडे दोनों ने 5-7% का रिटर्न जनरेट किया है। तो ये सर्विस बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी सभी सोशल मीडिया की लिंक भी दी हुई है। प्रीवियस वीक में भी मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे उसके अंदर जिसने परफेक्टली वर्क किया है और उसके टारगेट भी अचीव हुए हैं। तो आप अगर मेरे सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हो तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आपको मेरी पेड सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप मेरी सर्विस ले सकते हो। तो आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर 11278 एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मेरे प्रीवियस दोनों वीडियो में मैंने आपको इस लेवल के बारे में बताया है 11278। 11278 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर निफ्टी 11278 के आसपास आता है और वहां से रिवर्स होता है तो फिर से इसमें अपमूव कंटिन्यू करेगी और वो 11465 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 11278 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे में 11130 के सपोर्ट को टच कर सकता है। तो आप 11278 के लेवल्स पे बहुत ही केयरफुली वॉच करिए और आप वहां पे देखिए कि निफ्टी 11278 पर सपोर्ट ले रहा है या फिर उसको ब्रेक कर रहा है, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। और ऊपर में अगर 11465 के लेवल को
निफ्टी सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो 11,600 प्लस के लेवल्स भी निफ्टी को देखने मिल सकते हैं। तो ये सब प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, इन सब लेवल्स पर वॉच रखिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 21,950 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन गया है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने थर्सडे को सपोर्ट लिया था। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 21,400 तक फिसल सकता है। 21,950 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, तो इस लेवल पर आप वॉच रखिए। और ऊपर में 22,650 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली इस लेवल को क्रॉस करता है तो ऊपर में 23,000 के लेवल्स को भी टच करेगा। तो आप इन दो लेवल्स पर खास वॉच रखिए, ऊपर में 22,650 और नीचे में 21,950। तो ये चारों लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 23,100, 22,650, 21,950 और 21,400। इन चार लेवल्स पर वॉच करिए, आप 15 मिनट के चार्ट में इसको ट्रैक करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड ट्रेड करिए, आप जरूर प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीक का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, किस तरह से लेवल्स ने काम किया है, वहां पे किस तरह की कैंडल बनी है, किस तरह से मार्केट ने रिवर्स किया है। इसलिए मैं आपको जो भी लेवल्स देता हूं वो मैं चार्ट में प्लॉट करके आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बताता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है। तो उससे आपको ट्रेडिंग में बहुत आसानी होगी। धीरे धीरे आप चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये लेवल्स इस तरह से कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये रिवर्सल है, और इस तरह से ब्रेकआउट आया है तो ये ब्रेकआउट है। जो भी रिएक्शन आएगा वो प्राइस पे ही आएगा। अगर प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है तो वो वहां से रिवर्स करेगा ही करेगा, और अगर वो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो वहां से ब्रेक डाउन होगा ही होगा। ओपन इंटरेस्ट डाटा चेंज होते रहते हैं, वॉल्यूम अपने आप आ जाता है, इंडिकेटर अपने आप चेंज हो जाते हैं। प्राइस इज किंग, मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि प्राइस इज किंग, भाव भगवान है। अगर प्राइस आपको कंफर्मेशन दे रहा है तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हो। सबसे पहले आपको प्राइस ही बताएगा कि आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है, और सबसे पहले प्राइस ही बताएगा कि आपका जो ट्रेंड है वो ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप प्राइस को अच्छे से देख लेंगे तो आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर सिर्फ सपोर्टिव टूल है, जहां प्राइस के साथ इसको एक्स्ट्रा में देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको मेन प्राइस पे ही फोकस करना होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे लेवल्स पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक करिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में बताया गया निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आप वॉच रखिए, अपने चार्ट में उसको प्लॉट करके रखिए, 15 मिनट के चार्ट में उसको ट्रैक करिए। आप भले ही ट्रेडिंग करें या ना करें, आप उसको ट्रैक करके उसको फॉलो करिए कि उसके अंदर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि ये लेवल्स परफेक्टली वर्क करते हैं, और आप बाकी इंडिकेटर सब लगाना छोड़ देंगे और सिर्फ लेवल्स पर ही काम करेंगे। तो अगर आज की वीडियो में मेरी शेयर की भी नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स, कभी भी मेरे वीडियो को मिस मत करिए। इस वीडियो में जो भी लेवल्स बताता हूं वो लेवल्स पूरे वीक के लिए काम करते हैं। इस वीडियो के अंदर सफिशियंट नॉलेज रहती है और आप अपने नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान बना सकते हैं कि आपको किस लेवल पे वॉच करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है और किस लेवल को फॉलो करना है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी एक ऑप्शन का एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर ऑप्शन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मैं शेयर करूंगा। उस वीडियो को ऑप्शन ट्रेडर बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि जो जानकारी मैं उस वीडियो में शेयर करूंगा वो बहुत ही यूनिक है और वो आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।